नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुरभि श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजधानी दिल्ली में सामने आई सनसनीखेज वारदात, एक ही घर में मिले 11 लोगों के शव, जांच में जुटी पुलिस। इंसानी रिश्ते शर्मसार, भतीजी से छेड़छाड़ के बाद माँ बाप ने की बेरहमी से युवक की हत्या, दो गिरफ्तार। जयपुर के माड़क चौक थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वन जीव अंगों की तस्करी करते हुए एक युवक गिरफ्तार। प्रधानमंत्री के जयपुर दौरे की तैयारियां तेज, मंत्रियों ने किया सभा स्थल का भूमि पूजन, तैयारियों का भी लिया जायजा। पहले जुलाई में जीएसटी में रिफंड समेत कुछ बदलाव प्रभावित हो गए हैं। वहीं आधार नंबर की गोपनीयता को लेकर परेशान ग्राहकों के लिए 16 अंकों की वर्चुअल आईडी का विकल्प भी शुरू होगा। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड के नियम में 1 जुलाई से कड़े कर दिए गए हैं। आज से बिल और रिटर्न में गड़बड़ी पर रिफंड नहीं मिलेगा। यही नहीं, 1 जुलाई से अब मोबाइल सिम खरीदने के लिए आधार नंबर देना जरूरी नहीं होगा, बल्कि यूआईडीआई ने एक वर्चुअल आईडी का प्लान तैयार किया है, तो आधार नंबर की जगह वही इस्तेमाल होगा या पुराने नंबरों के रीवेरिफिकेशन के लिए लागू होगा। 1 जुलाई से भारी माल वाहन या भारी यात्री वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ ही ड्राइविंग सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होगा। यह ड्राइविंग सर्टिफिकेट किसी ड्राइविंग स्कूल या संस्थान से ईंधन दक्ष ड्राइविंग से 1 दिन का परीक्षण प्राप्त करने के बाद ही मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 जून 2017 को लगाए गए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को पूरे 1 साल हो गए हैं। भाजपा इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सकारात्मक बदलाव मान रही है। वहीं जीएसटी को लेकर कांग्रेस का रुख अभी भी हमलावर है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने कई गलत चीजों को बड़े पैमाने पर लागू किया है, जैसे नोटबंदी और उससे भी बड़ी चीज गलत तरीके से लागू की गई है, तो वह है जीएसटी। जीएसटी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। वहीं जीएसटी को 1 साल पूरा होने के मौके पर अरुण जेटली ने कहा कि इससे देश में अप्रत्यक्ष करों की जटिलता खत्म हुई है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए जेटली ने कहा कि जीएसटी के चलते टैक्स कलेक्शन में तो इजाफा हुआ ही है, इसके अलावा जरूरी चीजों पर कम टैक्स से जनता को भी राहत मिली है। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू हुए जेटली ने कहा कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा होने के चलते अब सरकार स्लेब में भी कमी करके जनता को राहत दे सकती है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के सामने के मकान में 11 शव संदिग्ध हालत में मिले। इनमें से 10 शव लटके हुए थे और एक बुजुर्ग महिला का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। मृतकों में 7 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। मृतक भाटिया परिवार मूल रूप से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का रहने वाला था। यह परिवार करीब 20 साल पहले चित्तौड़ से दिल्ली शिफ्ट हुआ था। जानकारी के अनुसार बुराड़े इलाके के संत नगर में गली नंबर 2 में गोविंद सिंह अस्पताल के सामने स्थित मकान में 11 लोगों के शव मिले हैं। इनके मुंह और आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। 11 लोगों के परिवार में 2 भाई थे। अंदेशा जताया जा रहा है कि उसका गला दबाया गया था। घर के नीचे ही इस परिवार की किराने और प्लाई की दुकान है। घटना ऊपर मकान में हुई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। यह मामला हत्या का है या सामूहिक आत्महत्या का, पुलिस भी सभी एंगलों से इसकी जांच कर रही है। पूरे मामले में पुलिस पारिवारिक विवादों को भी जांच के केंद्र में रखकर पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक बस गहरी खाई में गिर जाने से 47 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में बस में सवार 11 यात्री घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा सुबह उस समय हुआ जब भवन से रामनगर जा रही निजी बस काबिन गांव के पास अचानक नियंत्रण खो बैठी और 200 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। दुर्घटना में 45 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बस हादसे का शिकार सभी लोग स्थानीय थे। राजधानी जयपुर में बिगड़ते इंसानी रिश्तों की पोल खुलती नजर आई। एक शख्स अपनी ही सगीर भतीजी से छेड़छाड़ करता था, उन्हें हवस का शिकार बनाने की कोशिश भी करता था। नाबालिग लड़कियों ने यह शिकायत अपने माता पिता से की। भाई के खूब समझाने पर भी आरोपी नहीं माना, उसने अपनी वहशियाना हरकतें जारी रखी। इस पर माता पिता ने गुस्से में आकर बिहारी निवासी विकास की बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं, विकास की बेरहमी से सिर तक काट दिया गया। यही नहीं, गुस्से में उसकी नाक तक काट दी गई। घटना करधनी थाने इलाके की है। आरोपी ने मृतक के शवों को छुपाने के लिहाज से बेटी के साथ मिलकर कट्टे में रखकर पास के ही एक सूने मकान में फेंक दिया। पुलिस ने मां और नाबालिग बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का भाई अभी भी फरार है। वहीं करधनी थाने इलाके में रविवार को एक सिरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सिरकटी लाश करधनी थाना इलाके के मयूर विहार में मिली।
सूचना मिलने पर डीसीपी वेस्ट अशोक गुप्ता और करदनी थाना पुलिस वहां पहुंचे और मौके का मुआयना किया। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी वहां बुलाकर जांच पड़ताल करवाई गई। माणक चौक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वन जीवों की तस्करी कर एंटीक आइटम बनाने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से वन जीवों के अंग, बड़ी संख्या में चांदी व तांबे के सिक्के, इंडियन और विदेशी करेंसी बरामद हुई है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी अजीत कुमार टोंक के दूनी कस्बे का रहने वाला है। वह गोपाल जी के रास्ते शेर के पंजे, नाखून से बने एंटिक आइटम बेचने के लिए आया था। आरोपी गोपाल जी के रास्ते नकली चांदी के सिक्के बेचने की फिराक में था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची माणक चौक थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस को एक शेर का पंजा, नाखून, 232 चांदी के नकली सिक्के, ताश की गड्डी स्पेशल सीरीज नंबर के अलावा 1950 का एक एंटिक नोट व धातु से बने विभिन्न जवाहरात भी बरामद हुए हैं। अजीत कुमार गोकरू सनो महावीर प्रसाद जाति जैन, जो जिला टोंक दूनी का रहने वाला है, जो कल दिनांक को झोरी बाजार गोपाल जी के रास्ते में एक शेर का पंजा और 15 नाखून और अमेरिकन डॉलर लिखी हुई गिलट की करेंसी जो चांदी के रूप में असली करके बेचने के फिराक में था और एंटिक नोट जो भारतीय करेंसी है जिसमें 786 50 या 75 इस प्रकार से जो एंटिक आइटम है या पुराने नोट है और भी कई ऐसे एंटिक आइटम थे जो बेचने के फिराक में था जिसको पुलिस टीम के द्वारा पकड़ा गया और उसके कब्जे से एक शेर का पंजा, 5 नाखून लगे हुए और 15 नाखून और इंडियन करेंसी और अमेरिकन डॉलर लिखी हुई इस प्रकार की करेंसी हमने उसके कब्जे से बरामद की। पुलिस पूछताछ में यह सामने आया है कि आरोपी दूनी कस्बे में एक बड़ा व्यापारी है और वह पहले आड़त का काम करता था। व्यापार में घाटा हो जाने के चलते उसने शेर व चीते के पंजे लाकर गले में पहनने वाले चांदी का लॉकेट बनाना शुरू कर दिया। यही नहीं, आरोपी दूसरा सामान भी एंटिक बताकर उसे ऊंचे दामों पर बेचता था। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी नकली चांदी के सिक्कों को असली अमेरिकी डॉलर व चांदी का सिक्का बनाकर बेचता था। अभी तक इसने यही बताया कि पहली बार बता रहा है और इसके संबंध में अभी अनुसंधान जारी है। कहां से लाया है और कहां कहां बेचा है इसके बारे में अभी पुलिस रिमांड लाए हैं 5 दिन का, इसे पूछताछ करके अग्रिम अनुसंधान होगा जैसा आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी हम इस चीज से संतुष्ट नहीं है कि इतना कलेक्शन का काम इस प्रकार से, लेकिन अभी पूछताछ करेंगे अनुसंधान में जो भी होगा, कहां से लाया है, कहां बेचना है, जो भी होगा आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर दौरे की तैयारियां अब जोरों पे शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार झुंझुनू में पीएम मोदी के दौरे पर हुए हंगामे के बाद इस बार कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है, इसलिए पूरा प्रशासनिक महकमा अभी से पीएम के दौरे की तैयारियों में जुट गया है। राज्य सरकार से लेकर मंत्रियों, विधायकों और प्रदेश भाजपा संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने सभा स्थल पर अमरूदों के बाग का दौरा किया। इस दौरान उस जगह का भूमि पूजन भी किया गया जहां पर मंच बनाया जाना है। भूमि पूजन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़, सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा भी मौजूद रही। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि पीएम मोदी की सभा में 2 से 2.5 लाख लोग जयपुर आएंगे। 7 जुलाई को होने वाली सभा जिसमें प्रधानमंत्री राजस्थान के उन लोगों से रूबरू होंगे जिनको राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण से व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित किया है। पूर्व मुख्यमंत्री महोदय के बयान को आज पढ़ने का मौका मिला, बड़ा बचकाना बयान उन्होंने दिया। इससे पहले सरकार जब उन लोगों के हाथ में थी तब कभी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ये हिम्मत नहीं कर पाई कि वो इस प्रकार के लाभान्वितों का कोई महासम्मेलन करे, क्योंकि व्यक्तिगत लाभकारी योजनाएं कांग्रेस सरकार के समय में कागजों में चलती रही और सिर्फ चुनावी वर्ष में वोट की फसल काटने के लिए उन्होंने प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग चलाया। दुर्भाग्य इस बात का है कि चुनाव से ठीक 3 महीने पहले जो कांग्रेस के समय में प्रशासन गांव के संग और शहर के संग चला, जिसमें 26 लाख लोगों की उन्होंने पेंशन स्वीकृत की, उसके लिए बजटीय प्रावधान मात्र 3 महीने का किया। अब जब इतनी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं तो उनके सिर्फ 5% लोग
लगभग 2.5-3 लाख लोग यहाँ आएंगे। मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार ये हिम्मत नहीं कर सकती जो उन्होंने काम किया उसको दिखाने के लिए, चूंकि हमारी सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, इसलिए ये महासम्मेलन और ये व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों का ये सम्मेलन हो रहा है। रैली ऐतिहासिक होगी और जिन लोगों को लाभान्वित किया है उन सबको हम बुला रहे हैं। सारे लोग तो नहीं आ पाएंगे लेकिन अधिकांश लोग आए, ये हमारा प्रयास है। जिन लोगों ने नारे दिए गरीबी हटाने के, उनके पास कुछ भी पहुंचा नहीं केवल भाषण के अलावा, और जिंदगी भर कहते रहे खजाना खाली है खजाना खाली है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान और केंद्र की सरकार है जिसने हर उस व्यक्ति को जिसको जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता की पूर्ति की है। व्यक्ति कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति अपने व्यक्तिगत संसाधनों से नहीं कर सकता, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जिनको संसाधनों की आवश्यकता है जीवन यापन करने के लिए, सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए, वो व्यवस्थाएं करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य में और केंद्र में किया है। राज्य सरकार व गुज्जर संघर्ष समिति के बीच 19 मई को हुए एक समझौते को लेकर मंत्रियों और गुज्जर नेताओं के बीच रविवार को एक आपात बैठक बुलाई गई। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में हुई बैठक बेनतीजा रही। दोनों पक्षों में हुई बातचीत के बावजूद कोई हल नहीं निकला। ऐसे में गुज्जर समुदाय ने सरकार को सोमवार शाम तक का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से पीएम की सभा का विरोध करने की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने इस बैठक का आयोजन किया था। बैठक में गुज्जर नेता कर्नल किरोड़ी बैंसला, पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ सहित अन्य मौजूद रहे। गुज्जर नेताओं का कहना था कि आरक्षण को लेकर 19 मई के समझौते में सरकार ने 20 दिन के सभी बिंदुओं पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था जो कि निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं हुआ। संवैधानिक प्रक्रिया पूरा करने से कुछ हमने एक महीने का समय समझौता में दिया था, उसमें 15 दिन ज्यादा लग गए। अब हमने तय किया कि उसी गति से उसको करेंगे। केवल 1% आरक्षण का जो विषय था उसमें भी दो विषय थे। एक तो जो ऑर्डर निकला है नोटिफिकेशन, उस ऑर्डर के कुछ जगहों पर बाय एंड लार्ज सब जगह उसकी पालना हुई है। कोई 10-1% जगह ऐसी होंगी जहां इंटरप्रिटेशन अलग अलग अधिकारियों ने लिया, उसका क्लेरिफिकेशन कल ही पूरी तरह से विस्तृत रूप से जारी करने के बाद, वो जारी होने की बात हमने कही है, कल ही जारी कर देंगे जो कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति क्लियर हो जाए। दूसरा 1265 जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर जिन लोगों की पाइपलाइन में नौकरियां थी उनको सबको सर्विस देने का था सुप्रीम पोस्ट क्रिएट करने के बाद, उसमें से कुछ लोगों ने वेट लिस्टेड थे उनका एक इशू था, उसके लिए भी क्लियर पूरी तरह से हुआ जो लीगल ओपिनियन के लिए था, अब लगभग स्पष्ट हो गया, उसका भी कल आदेश निकलने की स्थिति हो जाएगी। ऐसे मोटे तौर पर 2-3 विषय थे। मुझे विश्वास है इन दोनों तीनों विषयों के ऊपर किसी तरह की अब कोई दिक्कत नहीं, कानूनी नहीं है। खबरों का दौर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।